हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को 26 जनवरी रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आप लोग के लिए बहुत अच्छा हो और आप सभी क्लास 10th में फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होइए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ वाटर रिसोर्सेज। तो पेन पेंसिल नोट पेपर लेके आप तैयार हो जाइए, नोट्स बनाने के लिए साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। चैप्टर नंबर 3, वाटर रिसोर्सेज। ये चैप्टर हम कम्प्लीटली पूरा एक ही वीडियो में कम्प्लीट करेंगे। तो वाटर एज अ रिसोर्स क्या समझते हैं आप इससे? वाटर एज अ रिसोर्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है वाटर एज अ रिसोर्स का मतलब? रिसोर्स का मतलब होता है एनीथिंग विच बेनिफिट ह्यूमन। तो वाटर नेचर के लिए और हमारे लिए क्या बेनिफिट कर रहा है? सपोज जैसे वाटर तो सबसे पहले है कि ह्यूमन बींग इसको वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ आपका एनिमल्स जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, तो सबसे पहला यूज़ क्या है उनका? ड्रिंकिंग वाटर। वेरी गुड। और वाटर ड्रिंक करने से होता क्या है? उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। क्या रहता है? टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है। साथ में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो भी ब्लड फ्लो करते हैं, प्लाज्मा जो रहता है वो उसके थ्रू उनके साथ क्या रहता है? पूरा बैलेंस रहता है। क्या करता है और वाटर क्या करता है? आपका ग्लोबल टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। ठीक है, आप इसको वैरायटी ऑफ पर्पसेस में लाइक कुकिंग में यूज़ करते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। कुकिंग में यूज़ कर सकते हो आप इसको, यूटेंसिल वॉश में करते हो, यूटेंसिल एंड क्लोथ वॉश में करते हो। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विद द हेल्प ऑफ मेकिंग डैम। ये वाला तो हमको चैप्टर पढ़ना है पूरा डिटेल में, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो वाटर रिसोर्स जो है हमारे यहाँ पर, सपोज अगर 70% में क्या है हमारे पास? वाटर है। 70% में क्या है? वाटर है। 30% में हमारे पास क्या है? लैंड। तो वाटर जो है हमारे वर्ल्ड में, और कहूँ तो मैं प्लैनेट अर्थ में, प्लैनेट अर्थ में 70% क्या है हमारा? पूरा वाटर है। 70% क्या है? वाटर है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट। क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट। ठीक है, तो हमारे अर्थ को क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट। अब देखो 70% वाटर है और 30% क्या है हमारे पास? लैंड। 30% क्या है? लैंड। आउट ऑफ दिस 70% वाटर, 96.25% आर कवर्ड इन ओशंस एंड सीज, और बाकी का रेस्ट जो है वो मैक्सिमम आपका कहां पर है? आपके ग्लेशियर्स में, ग्लेशियर्स में आइस कैप। ठीक है, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप क्या है? दीज आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, दीज आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। पर हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। हम कौन से परसेंट को यूटिलाइज करते हैं? जो 1% है आपका, कौन सा? इन फॉर्म ऑफ रिवर्स, वेल्स मतलब ग्राउंड वाटर, पॉन्ड्स, वाटरफॉल। ठीक है, ये चीज है। ये कितना है आपका? सिर्फ ओनली 1%। इट कॉन्स्टिट्यूट ओनली 1%। तो वाटर देखो कितना मैजिक लिक्विड है। वाटर जो है केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है। वाटर इज यूज्ड इन केमिस्ट्री, और इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए तो वाटर के चैप्टर में, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है? हमको सबसे पहले पढ़ना है कि वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्यों पानी की कमी महसूस हो रही है हमको? ठीक है, दूसरा हमको ये पढ़ना है कि अगर कोई रिवर फ्लो कर रही है दो स्टेट के बीच में, तो उनके बीच में क्या हो रहा है? वाटर डिस्प्यूट हो रहा है। उनके बीच में क्या हो रहा है? वाटर डिस्प्यूट हो रहा है। तो इंटर वाटर डिस्प्यूजल कमेटी क्या होता है, एक्ट क्या होता है, कौन से स्टेट के बीच में कौन सी रिवर का वाटर डिस्प्यूट हो रहा है, ये हमें पढ़ना है। फिर हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डैम, ठीक है, एंड यूजेस ऑफ वाटर। तो यूजेस ऑफ वाटर तो आपको पता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। अच्छा, आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बारिश की बात करूं, अगर पूरे वर्ल्ड में मैं बारिश की बात करूं, तो इंडिया का रैंक क्या है? बारिश का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। बारिश का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। तो एनुअल प्रेसिपिटेशन
मतलब पूरे दुनिया में कितनी बारिश हो रही है उसके हिसाब से हमारे इंडिया का रैंक पता है कितना है। इंडिया का रैंक है 133। कितना रैंक है इंडिया का? 133। तो पूरे कंट्रीज में जितनी बारिश होती है हमारी इंडिया का रैंक कितना है? 133। इसलिए इंडिया में कैसी प्रॉब्लम है आपकी? वाटर स्कर्सिटी की। रैंक वन किसका है बता सकते हैं आप? रैंक वन कोलंबिया। कौन सा? कोलंबिया, आपका अमेजॉन रेन फॉरेस्ट वाला एरिया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको याद रखना। ठीक है, एनुअल प्रेसिपिटेशन इन टर्म्स ऑफ वाटर। ठीक है, फिर इसके बाद हेडिंग डालना वाटर स्कर्सिटी। हेडिंग डालिए वाटर स्कर्सिटी। क्या होता है वाटर स्कर्सिटी? वाटर स्कैसिटी का मतलब होता है पानी की कमी होना। वाटर स्कैसिटी का मतलब क्या होता है? पानी की कमी होना। क्या क्या ऐसे रीजन्स हो सकते हैं जिससे पानी की कमी हो रही है? वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन कह सकते हैं। और वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है मतलब आपके फ्रेश वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है, सो दैट हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। और कौन कौन से रीजन्स हो सकते हैं? ज्यादा जनसंख्या आपकी बढ़ रही है तो आप क्या कर रहे हो? वाटर रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, और क्या हो सकता है? ज्यादा पानी है, जैसे सपोज ज्यादा लोग हैं आपके घर में, तो पहले क्या कर रहे थे अपन कि घर पे अगर सपोज 3 लोग हैं तो पानी कम लग रहा था, 10 लोग हैं तो घर पे ज्यादा क्या लगेगा? पानी ज्यादा लगेगा। कुछ लोग को आदत होती है फेंकने की पानी, कार धो रहे हैं तो 1 घंटे से कार ही धो रहे हैं, ठीक है, नहा रहे हैं तो बस आधे 1 घंटे से नहा ही रहे हैं शावर ऑन करके, तो एक्स्ट्रा ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और क्या हो सकते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेसिव यूज। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। और हमारे यहाँ वाटर स्कर्सिटी की प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वाटर रिजर्वायर जो है हमारे यहाँ या जो रिवर्स है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है आपके स्टेट में। अनइवनली क्या है? आपके डिस्ट्रीब्यूट ओवर। अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर, अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, हर स्टेट में अलग अलग क्या है वाटर का? अनइक्वल स्टेट। देखिए, अब हमें एक करना है, आपने हाइड्रोलॉजिस्ट का वर्ड सुना? हाइड्रोलॉजिस्ट क्या होता है? हाइड्रोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलॉजिस्ट वो आपका रिसर्चर होता है, वो साइंटिस्ट होता है जो पानी के ऊपर रिसर्च करता है। अंडरग्राउंड वाटर हो गया, रिजर्वायर के ऊपर पानी हो गया, आपके ओशन का पानी हो गया, सीज का पानी हो गया, उसकी स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजिस्ट। तो हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसको कहते हैं वाटर स्ट्रेस। क्या कहते हैं? वाटर स्ट्रेस। देखिए वाटर स्ट्रेस क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना स्ट्रेस माने तनाव, आज मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, तो वाटर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? सपोज जब आपको पानी जितना यूज़ करने के लिए आपको चाहिए, सपोज एक दिन में आपको कितने बकेट पानी चाहिए? 5 to 10 बकेट पानी चाहिए। तो उसमें आपका क्या हो गया? आपका नहाना भी हो गया, फ्रेश होना भी हो गया, वाटरिंग करना हो गया, प्लांट्स को कुछ पानी देना है, कुछ आपके घर में एनिमल्स उसको देना है, बाथिंग हो गया, सब कुछ हो गया। इतना सब कुछ करने में आपको कम से कम कितना पानी चाहिए? 10 बकेट्स पानी चाहिए। सपोज आपको 10 बकेट्स के जगह मैं आपको 5 बकेट्स पानी दूंगा तो क्या होगा? अगर मैं आपको 10 बकेट्स के जगह 5 बकेट्स पानी दूंगा तो आपका जो नीड्स है वाटर की वो पूरी हो पाएगी क्या? फुलफिल हो पाएगी क्या? नहीं। वैसी कंडीशन को क्या कहते हैं? वाटर स्ट्रेस। उसको क्या कहते हैं? वाटर स्ट्रेस। ठीक है, आया समझ में? अब वाटर स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन किया था आपका स्वीडन का एक बहुत बड़ा हाइड्रोलॉजिस्ट था जिसका नाम था फॉल्कन मार्क। क्या नाम था? फॉल्कन मार्क। उसने क्या कहा आपका कि अगर आपको 100 क्यूबिक
मीटर, 100 क्यूबिक मीटर। तो साइंटिस्ट का नाम क्या था आपका? अकॉर्डिंग टू फॉल्कन मार्क। और ये फॉल्कन मार्क कौन था आपका? स्वीडन का कौन था आपका? हाइड्रोलॉजिस्ट। स्वीडन का कौन था? हाइड्रोलॉजिस्ट। हाइड्रोलॉजिस्ट मतलब कौन होते हैं? जो आपके हाइड्रोबॉडीज की, मतलब रिवर, ओशंस, अंडर वाटर, वाटर की स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजिस्ट। उसने क्या कहा, जो फॉल्कन मार्क है, इसने कहा कि अगर आपको 1000 क्यूबिक मीटर, 1000 क्यूबिक मीटर से एनुअल में पानी कम मिलेगा तो आप किस में आ जाओगे? एनुअल वाटर। अगर इससे लेस मिलेगा आपको तो आप किस कंडीशन में आ जाओगे? वाटर स्ट्रेस। तो 1000 क्यूबिक मीटर का मतलब क्या होता है, हमें यह समझना है। तो 1 क्यूबिक मीटर जो होता है, 1 क्यूबिक मीटर का मतलब होता है 1000 लीटर। कितना? 1 क्यूबिक मीटर का मतलब कितना होता है? 1000 लीटर। तो इस हिसाब से 1000 क्यूबिक मीटर का मतलब होता है आपका 10 लाख लीटर पानी। तो 10 लाख लीटर पानी का मतलब होगा आपको एक साल में कितना लीटर पानी चाहिए? 10 लाख लीटर पानी। ठीक है, अगर इससे कम पानी आपको मिल रहा है मतलब आप किस कंडीशन में आ जाओगे? वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाओगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है या जो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है वो मेनली फुलफिल होता है आपका थ्रू थर्मल पावर प्लांट। 50% से ज़्यादा किससे बनता है आपका? थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है, इंडिया में जो है आपका, इंडिया में 50% से ज़्यादा पावर कहाँ से आती है आपकी? थर्मल पावर प्लांट। ये क्वेश्चन याद रखना, कहाँ से आती है? थर्मल पावर प्लांट का मतलब होता है बर्निंग ऑफ कोल। इंडिया में जो है वाटर से, मतलब जिसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये है आपका 22%। कितना परसेंट है? 22%। इंडिया में 22% से क्या, कहाँ से एनर्जी आती है आपकी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो होता है विद द हेल्प ऑफ डैम, विद द हेल्प ऑफ डैम। अब डैम का मतलब होता है दीज आर आपके कुछ नहीं, ये आपके पानी के क्या है? रिजर्वॉयर है। पानी के क्या है आपका? रिजर्वॉयर है। सपोज आपके पास पानी कहीं से बहकर आ रहा है, रिवर्स के थ्रू आ रहा है या माउंटेन से कहीं से पानी आ रहा है, तो आपने क्या किया, सपोज इस वाटर को पूरा ऐसा स्टोर करके रख लिया, आपने क्या करा, ये जो वाटर है आपका, ये क्या है आपका? वाटर है। आपने क्या करा, यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया। क्या कर दिया आपने? डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया आपने। ठीक है, पूरा पैक कर दिया। अब यहाँ से क्या करोगे आप? पानी के गेट्स बनाओगे। ठीक है, यहाँ से आपने पाइपलाइन डाल दिया, और ये पाइपलाइन आप कहाँ लेके जा रहे हो उसको? इस पाइपलाइन को आप लेके जा रहे हो टर्बाइन के अंदर में। कहाँ पे? टर्बाइन के अंदर में। ठीक है, इस टर्बाइन को क्या बोलेंगे अपन? हाइड्रो टर्बाइन। क्या बोलेंगे? जैसे ही यहाँ पे पानी जाएगा तो पानी क्या करेगा? इसको रिवॉल्व करेगा, और एक पर्टिकुलर आरपीएम में आने के बाद यहाँ से क्या होगा? एक एक्सल जुड़ा होगा। इस टर्बाइन से क्या जुड़ा होगा आपका? एक एक्सल जुड़ा होगा जो आपका कनेक्ट होगा किससे? जनरेटर से। वो किससे कनेक्ट होगा आपका? जनरेटर से। और यहाँ से फिर आपको क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ से क्या मिलेगी आपको? इलेक्ट्रिसिटी। तो डैम की मदद से हम क्या करते हैं? पानी को रोकते हैं। ठीक है, डैम की मदद से क्या करते हैं? पानी को हम रोकते हैं। इससे हमने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ से डैम का सबसे पहला वर्ड क्या हो गया आपका, यूज़ क्या हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं हम। दूसरा, ये आपके ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है। ग्राउंड वाटर को क्या कर रहा है? रिचार्ज। अगर पानी वहाँ पे पड़ा रहेगा तो क्या होगा? पानी पूरा सीपेज होकर कहाँ जाएगा? आपके अर्थ के अंदर में, और आसपास के जितने भी किसान लोग होंगे उनके कुएं में क्या होगा? पानी अच्छा लेवल रहेगा। तीसरा, आप यहाँ से अपने कैनल्स बना बना के आप क्या कर सकते हो? इरीगेशन के लिए पानी सप्लाई कर सकते हो। इरीगेशन के लिए क्या कर सकते हो? पानी सप्लाई कर सकते हो। फिर क्या कर सकते हो आप इसमें? आप इसमें फिशरीज कर सकते हो, मतलब पीसी कल्चर। क्या कहते हैं इसको? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ फिशेस। पीसी कल्चर का मतलब क्या होता है आपका? ग्रोइंग ऑफ फिशेस। ग्रोइंग ऑफ फिशेस, ठीक है, पीसी कल्चर। ठीक है, आप पीसी कल्चर कर सकते हो। और क्या कर सकते हो आप वहाँ पे? एंटरटेनमेंट के पर्पजेस कर सकते हो, जैसे बोटिंग कर सकते हो आप, वाटर पार्क बना सकते हो उस पर, बोटिंग, वाटर पार्क, टूरिज्म, ठीक है, इको टूरिज्म जिसको बोलते हैं, रिजॉर्ट। तो मतलब डैम बनाने पे आपके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, डैम बनाने से क्या होगा आपका?
बहुत सारा फायदे भी है, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। अब बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आपको पता है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया? लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया, और उसके बाद बताना मुझे लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया एंड लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट जो डैम है आपका, सबसे बड़ा डैम जो है वो है आपका तेहरी डैम। कौन सा है? तेहरी डैम। ये कहाँ पर है आपके? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और लॉन्गेस्ट है आपका कौन सा? हीराकुंड। कौन सा डैम है? हीराकुंड डैम है। कहाँ पर है ये? ओडिशा में। और ये किस रिवर पे है आपके? महानदी रिवर में। किस नदी पे? महानदी रिवर में, ठीक है। अब नोट डाउन करिए, आपको पता है इंडिया, हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, क्या नाम है उनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि डैम्स आर द मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया। इसको क्या कहा था इनने? डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन भी आता है ये कि वाई डैम, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा क्यों कहा कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? क्योंकि डैम से देखो हमको कितनी सारी चीज़ें मिल रही है। मंदिर जाने से जैसे हमको शांति मिलती है, कुछ चीज़ें मिलती है, सेम वैसे ही क्या मिल रहा है हमको टेम्पल्स में आने से? बहुत सी चीज़ें क्या मिल रही है हमको? हाँ, शांति नहीं रे बाबा, इन्वायरमेंटल के लिए चीज़ें हमको, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, ठीक है। हेडिंग डालना आप, वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अब देखो वाटर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज हेडिंग पर डाल दो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अब देखो वाटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर आपके लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब रिवर है, जो वो रिवर ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टेट में फ्लो कर रही है, कुछ रिवर ऐसी भी होती है जो दो से तीन स्टेट में फ्लो करती है। जैसे मैंने बोला नर्मदा, तो नर्मदा हमारे यहाँ फ्लो करती है मध्य प्रदेश में, गुजरात में फ्लो करती है, ठीक है। पेरियार रिवर जो है वो तमिलनाडु में फ्लो करती है, आपके केरला में भी फ्लो करती है। कृष्णा रिवर आपके साउथ में दो तीन स्टेट में फ्लो करती है। गोदावरी फ्लो करती है, महानदी फ्लो करती है। गंगा रिवर देखो क्या करती है, फ्लो करती है। ऐसी रिवर को हम क्या रोक सकते हैं? कोई एक स्टेट वाला रोक सकता है क्या? सपोज किसी एक स्टेट ने उस रिवर पर डैम बना लिया, अगर डैम बना लिया तो पानी को क्या करा उसने? रोक लिया। अब पानी को वहाँ उसने रोक लिया तो आगे वाली स्टेट को पानी मिल पाएगा क्या? नहीं। उसकी तो पूरी लाइफ क्या हो जाएगी, उस स्टेट में वाटर स्कैर्सिटी की इश्यू हो जाएगी। तो क्या होता है, गवर्नमेंट ने इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए एक एक्ट लेके आया। इंटर स्पेस वाटर डिस्प्यूट के लिए क्या लेकर आया? एक्ट लेकर आया, जो लेकर आया आपका 1956 में। और वाटर से लड़ाई लड़ने के लिए आर्टिकल नंबर 262 में भी लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 262 में भी लिखा हुआ है। तो देखो हम अब पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका नर्मदा वाटर के ऊपर। देखो डिस्प्यूट नर्मदा रिवर के ऊपर डिस्प्यूट, हमारे एमपी का, इसलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। नर्मदा रिवर के ऊपर डिस्प्यूट, तो ये डिस्प्यूट जो है वो है आपके मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, गुजरात एंड महाराष्ट्र। किस किस के बीच में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात एंड महाराष्ट्र के ऊपर है, ठीक है। तो इनके वाटर रिसोर्सेज के ऊपर कितना परसेंट वाटर रखेगा? अब देखो क्या हुआ, नर्मदा रिवर के ऊपर में एक डैम बना है जिसका नाम है सरदार सरोवर। क्या नाम है? सरदार सरोवर डैम। कहाँ पर बना है ये? गुजरात में। वेरी गुड। ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू कौन सा?
स्टेच्यू ऑफ, हाँ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, क्या बोलते हैं इसको, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको क्या बोलते थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया, क्या कहते थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया, क्यों कहते थे, क्योंकि इन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद आपके सभी स्टेट क्या थे, अलग अलग थे, तो इसने सभी स्टेट को, प्रिंसली स्टेट हो या ब्रिटिश के अंदर में कॉलोनियल स्टेट से, सभी स्टेट को क्या करा, एक उसमें लेकर आए, मतलब जोड़ के एक भारत बनाया उनने, ठीक है। दूसरा, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट है आपका कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश के बीच में, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश के बीच में। फिर तीसरा है आपका पेरियार रिवर, पेरियार रिवर का डिस्प्यूट, ये है आपका तमिलनाडु एंड केरला, किसके किसके बीच में, तमिलनाडु एंड केरला के बीच में डिस्प्यूट है, इसको नोट डाउन करो। और महानदी का पता किसके किसके बीच में, महानदी ओडिशा एंड, ओडिशा में तो है ही रिवर, इट इज़ ए डिस्प्यूट बिटवीन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एंड एंड ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया, ठीक है। इसके बाद लिखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पता है आपको, स्टोरिंग ऑफ वाटर, कौन सा वाटर, रेन वाटर, वेरी गुड। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो जो भी आसमान से पानी आ रहा है, क्यों, क्योंकि इट इज ए क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, पहली रेन की बात नहीं कर रहा क्योंकि अब एसिड रेन का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो हम मान के चलते कि रेन वाटर कैसा है आपका, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, तो क्या करना है, स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, उसको क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखो इसमें अलग अलग मेथड है, सबसे पहला है आपका रूफ टॉप, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, क्या है, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, तो क्या करते हैं इसमें, सपोज आपका ये घर है छत पे, तो अपन ने क्या किया, छत में जो भी पानी आता है उसको क्या कर लिया, यहाँ पे स्टोर कर लिया, और नीचे क्या कर दिया आपने, एक डक कर दिया, छोटा सा गड्ढा 8-10 फीट का, कितना होता है ये, 8-10 meters, ऐसे पानी जा रहा है, इसमें क्या कर दिया आपने, अलग अलग तलब के स्टोन्स एंड पेबल्स डाल के रखे, इससे क्या होगा, वाटर आपका प्यूरीफाई होगा, और बाजू में क्या है आपका वेल है, तो वेल में पानी क्या होगा आपका, रिचार्ज। या आपको नहीं करना है तो घर के अंदर एक टैंक बना लो, जैसे सेप्टिक टैंक होता ना वैसा आप टैंक बना लो, उसमें क्या कर लो इसको स्टोर, थोड़ा बहुत गंदगी होगी तो क्लोरीन बीच में ब्लीचिंग पाउडर एंड क्लोरीन डाल के उसको क्या करते रहो, क्लीन करते रहो, ठीक है। तो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। अब देखो वाटर जो है इसको बचाने के अलग अलग मेथड भी है, जैसे गड्ढा खोद के रख लो, उसको बोलते हैं खुल्स, राजस्थान में क्या होते हैं गोल्स एंड खुल्स। अब देखो जो मेघालय है, मेघालय में हमारे इंडिया का 95% प्रेसिपिटेशन रहता है, कितना 95%, जो शिलोंग वाला एरिया है, ठीक है, शिलोंग वाला आपका मासेमराम, ठीक है, चेरापूंजी, ये वाले जो एरिया है यहाँ पे क्या है आपका मैक्सिमम रेन वाटर होता है, सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन है हमारा यहाँ पे, बारिश हमेशा होता है। तो यहाँ पर एक इरीगेशन फेमस है, दैट इज नोन एज बम्बू इरीगेशन। क्या फेमस है, बम्बू इरीगेशन। देखो बम्बू इरीगेशन में होता क्या है, सपोज ये आपका माउंटेन है, माउंटेन में कहीं ना कहीं से क्या है आपकी स्ट्रीम्स है, पानी के क्या है आपकी स्ट्रीम्स आ रही, तो इसमें क्या करते हैं आपने बम्बू को बीच से, सपोज ये आपका बम्बू है, इसको आपने क्या करा, इस टाइप का आपका बम्बू है बास, इसको क्या करते हैं बीच से तोड़ दिया, तो अब क्या किया पाइप जैसा शेप अपन ने उसको बम्बू को ऐसा कनेक्ट करके रख लिया, ये फिर यहाँ पे एक और बम्बू कनेक्ट कर लिया, फिर ऐसा कनेक्ट कर लिया, ऐसे करते 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 अपन क्या करते हैं इसको कनेक्ट कर लेते हैं, इससे पर डे में आपको 18 से 20 liters ऑफ वाटर मिल जाता है, कितना 18 से 20 liters ऑफ वाटर पर डे, और पर मिनट में आपको मिलता है 8-10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर पर मिनट, पर मिनट 8 से 10 बूंदे पर मिनट, ठीक है। अब ये जो है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी करने के लिए सिर्फ एक ही स्टेट है जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी करा है, दैट इज तमिलनाडु,
तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट, तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट विच हैज मेट रेगुलेशन, विच हैज मेट रेगुलेशन फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और अगर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को फुलफिल नहीं करता उसको फाइन भी है। तो क्या होता है, हमारे यहाँ पे भी नगर पालिका ने स्कीम चालू करी है कि आपको 12,000 रुपये क्या करना है, जमा करके रखना है। जैसे ही आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाओगे उसके बाद फिर क्या हो गया, उनको दिखा दो कि आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया है, आपको जो 12,000 रुपये जमा है आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वो आपको वापस मिल जाएगा। तो इस हिसाब से रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हमने इस चैप्टर में आपके वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट यूज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, रिक्रिएशनल वैल्यू हो रही है, फिर हमने डैम पढ़ा, डैम के क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स है, क्या यूज़फुल है हमने वो पढ़ा, फिर हमने इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट पढ़ा, कौन कौन से मेन रिवर पे डिस्प्यूट है, कौन से दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, ये हमने पढ़ा। फिर देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ा हमने, बम्बू इरिगेशन क्या होता है, वाटर स्टेट क्या, वाटर स्ट्रेस क्या होता है, एंड वाटर स्केर्सिटी। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा था आपका, जल्दी मिलते हैं आपके चैप्टर नंबर 5 के साथ। तो चैनल के साथ बने रहिए और साथ साथ आप रिविज़न करते जाइए। थैंक यू।